नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आपके अपने YouTube चैनल काऊ फार्मिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सुखबीर भाई साहब जो कि गांव किरमारा से ताल्लुकात रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट हिसार, तो एक से एक एथलीट बछड़े जो ये तैयार करते हैं, तो एक बार मैं इनसे मिलवाना चाहूंगा और इनको मैं पशुपालक कम और एक कोच की उपाधि दूंगा, क्योंकि जो ये बिल्कुल जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल थोड़ा हटके है। क्योंकि लोग ज्यादातर जो गौवंश का जो यूज करते हैं वो दूध के लिए या अन्य फिर बैलों को खेत में काम करने के लिए लेते हैं, तो ये बिल्कुल उनसे हटके जो कार्य कर रहे हैं। और ये आप उनका गौवंश, बहुत ही प्यारा गौवंश देख सकते हैं। देखिए, एक से एक एथलीट, न किसी प्रकार की आपको चर्बी नजर आएगी। और नागौरी बैल, ये देखिए, ये स्पेशली मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इनका यूज करते हैं वो भी बड़े बड़े पंजाब हरियाणा की जो रेस होती है तो उनमें इनको ले करके जाते हैं और वहां पे इनकी रेस करवाते हैं। तो काफी सारी प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया है और उनमें प्रथम स्थान भी प्राप्त इनके बछड़ों ने किया है। तो एक बार इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या कुछ, किस तरह से इनको रख रखाव करते हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं, क्या खिलाते हैं, तो इनसे एक बार पता करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, थोड़े से जोर से बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने ये, आप पशु पालन कर रहे हो, थोड़ा सा समाज से हटके है, क्योंकि ज्यादातर जो है गौओं को लोग दूध के लिए या फिर खेत में बैलों को यूज करते हैं, तो इसी पर्पज से रखते हैं। तो आपने जो ये अलग से जो कार्य कर रहे हो बिल्कुल थोड़ा हटके, क्योंकि आप रेस के लिए जो एथलीट तैयार करते हो, मैं इनको बछड़े नहीं कहूंगा क्योंकि एथलीट, जो आप एक कोच की तरह इनके ऊपर टाइम बिताते हो, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कैसे आपने ये प्रोफेशन चुना भी थोड़ा अलग। देखो भाई साहब, मेरे पिताजी भी थे और मेरे दादाजी भी अच्छे बैल लगते थे, नाम भी थे, मेरे दादाजी अलकश के बैल थे। अच्छा अच्छा जी, पुराने टाइम से रथ में चलते थे बैल। अच्छा अच्छा अच्छा, शौक है। फिर मैं 2009-08 से बैल भगाने लग गया। ठीक है जी, ठीक, घर के भी और बाहर की भगाया, एक बबरू बैल था हमारे किरमारे का। अच्छा अच्छा, शांति, ठीक है ठीक है। मैंने काफी भगाया, उसी बैल से मेरा नाम हुआ सुखबीर किरमारा। अच्छा अच्छा जी, धर्मपाल किरमारा का जो बैल था। ठीक है ठीक है जी। एक मेरे पास बड़ा बैल, उस टाइम से मैंने रेसों में हिस्सा लेना स्टार्ट किया। हाँ जी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था 2018 से। फिर मैं नागौर मंडी में गया, वहाँ से अच्छा फिर से काला बछड़ा लेके आया मैं। हाँ जी जी, जो मैंने एड़ी के पंजाब में हरियाणा की सारी जोड़ियों को पीछे छोड़कर पंजाब में 30वां नंबर प्राप्त किया था। अच्छा, तीसरा स्थान प्राप्त किया था, 30वां नंबर। अच्छा, 30वां, ठीक है ठीक है, हरियाणा और पंजाब, ठीक है जी ठीक है। तो मैंने उस टाइम शेर मीम सा पंजाब का, उसको 70,000 का सेल किया था बच्चा। अच्छा अच्छा, 2018 में, ठीक है ठीक है। काफी खुशी हुई थी। उसके बाद में मैं लगातार बछड़े ले आऊं भाई साहब। हाँ, मैंने कम से कम भी 10-12 लाख के बछड़े बेचे हैं। अच्छा, 10-12 लाख के। अच्छे अच्छे। तो आपने ज्यादा से ज्यादा किस कीमत का आपने बछड़ा बेचा है? मैंने ज्यादा से ज्यादा 1,85,000 का बछड़ा दिया है। अच्छा, 1,85,000 का। हाँ। तो आप जैसा देख सकते हैं कि इन भाई साहब ने जो बताया है उसके बारे में एक बार मैं बखान करना चाहूंगा कि इन्होंने जो इनके शुरुआत में जो इनके घर में दादा परदादा इनके ये काम किया करते थे, तो इसी तरह से इन्होंने कुछ साल पहले जो इन्होंने शुरुआत की थी पंजाब के अंदर जो रेस होती है, तो उसके अंदर जो हरियाणा की तरफ से प्रथम स्थान था और पूरे पंजाब की तरफ से 30वां स्थान जो हासिल किया था, तो इस तरह से मोटिवेट हो करके इन्होंने बछड़े तैयार करने शुरू किए। तो इनके बछड़े आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको फैट इनमें नजर नहीं आएगी, बहुत ही बेहतरीन सफेद सुंदर। तो रंग कद काठी देख सकते हैं, हम्प आप इनका देख सकते हैं, ऊर्जावान, क्रियात्मक ऊर्जा के लिए जो अपनी हरियाणा नस्ल नागौरी बैल जाने जाते हैं, तो उन्हीं का एक सामने आप दृश्य देख सकते हैं। तो मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरह से इनको ट्रेनिंग देते हो, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहलवान को तैयार करते हैं, इनको तैयार करना पड़ता है घी और दूध। ठीक है जी। और पहलवान की तरह जो घी और दूध सब कुछ खिला करके घुमा के लाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर। अच्छा, 2-3 किलोमीटर रेस लगवाते हो? वैसे घुमा के लाते रेस 5-7 दिन में इनका एक घेड़ा लगाते हैं। अच्छा, 5-7 दिन में एक घेड़ा लगाते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है जिससे इनका मोटापा न बढ़े और जो ऊर्जा है, बलवान है, बलिष्ठ शरीर जो है इनका, चुस्ती फुर्ती जिसको हम कहते हैं, तो वो भी बनी रहे। इनको इसके लिए भैंस का दूध और देसी घी। अच्छा अच्छा, रेगुलर देता हूँ हर 12 महीने से, कौन सा टाइम। अच्छा अच्छा, 12 महीने ही। हाँ, शाम को। बहुत बढ़िया जी। और दोनों टाइम दाना खिलाता हूँ। हाँ हाँ, हरा चारा बिल्कुल ही नॉर्मल। हाँ जी हाँ जी, वैसे भी घुमा के रखता हूँ। ठीक है ठीक है, हरा चारा कम खिलाते हो? बिल्कुल कम। और जो मतलब जो है जो ताकत वाली चीजें हैं वो ज्यादा देते हो? ठीक है ठीक है। तो अभी आपके पास कितने बछड़े हैं रेडी तैयार? मेरे पास 7 छोटे बछड़े, एक बड़ा बैल है जो मेरा पुराना
अतपाले बागा नाम दिया। अतपाले में अच्छा 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 मेरे पास जो सबसे पहले जो जिसने नाम किया, क्या नाम है उसका? वो उसको हम लांडा महल बोलते हैं। अच्छा लांडा, थोड़ा सा नाम में इसका सुधार करो। कहाँ है अभी, है आपके पास? हमारे पास दूसरे मकान में दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। उनसे पहले आपको मिली नहीं था? अच्छा इतनी हाइट और वो, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। साल का पहले। हाँ जी हाँ जी। तो जैसा एक बार मैं और आपके इनके बारे में बताना चाहूंगा, अभी ये किसी भी तरह से किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। सुखबीर इस साइड आ जाइए एक बार आप, क्योंकि काफी सालों से जो रेस के लिए बछड़े तैयार करते हैं और पूरे हरियाणा और पंजाब में इनका काफी नाम है और बिल्कुल सीधे पशुपालक हैं। किसी भी प्रकार का इन्होंने वीडियो बनवाने के लिए भी मना कर रहे थे, भी मुझे किसी प्रकार की पब्लिसिटी स्टंट या ऐसा कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैंने बड़ा रिक्वेस्ट करके इनसे किसी तरह से आप एक बार वीडियो बनाएं जो लोगों को भी पता चले इनके बारे में और आपके बारे में पता चले भी किस तरह से आप चीजें तैयार करते हो। महाराष्ट्र? अच्छा अच्छा, एमपी और महाराष्ट्र में भी जाते हैं? बैल गए, वहाँ भी मेरा नाम अच्छा, सुखबीर किरमारा का नाम से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शुक्ला, सब्बू शुक्ला उनके पास मेरे बैल गए हैं। कौन से शुक्ला जी? सब्बू शुक्ला शर्मा। अच्छा सब्बू शुक्ला है एमपी के? हाँ, उनके पास तो उनके पास भी जाते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया आपके जाते होंगे बछड़े? पंजाब में अपने अच्छे मित्र राजू संदोड़ वाला। हाँ जी हाँ जी। मानका? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है, मतलब भी वो सभी अपने अच्छे से जानकार हैं। तो ये मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने इतना अपना नाम कमाया है वो कि किसी न किसी तरह से कोई इन गऊ के जायों की देन। हाँ हाँ बिल्कुल, गऊ के जायों की देन है। तो अपना नाम बनाया है आपने अच्छी चीज तैयार करके, तो बहुत ही बढ़िया जी। तो एक बार इनको थोड़ा चला के दिखा दोगे आप? बहुत ही बढ़िया। थोड़ी माफी चाहूंगा, यहाँ पे एक शादी है पड़ोस में, खुश करके थोड़ी डीजे का साउंड जो इसमें आ रहा है। और ये देखिए किस तरह से क्रियात्मक ऊर्जा के साथ, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो रेस वाले जो बछड़े होते हैं वो एकदम से अग्रेसिव होते हैं, बस जैसे ही उनको खोला जाता है तो वो एकदम छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। नामकरण भी किया आपने इनका? नाम है क्या? नाम है इसका? इसका इसका बताइए। ये देखिए किस तरह से बच्ची, अच्छा बच्ची, बहुत बढ़िया जी। तो ये बच्ची आप देख सकते हैं हरियाणा नस्ल में, नागौरी, नागौरी ये हरियाणा है ना ये? नहीं नागौरी। ठीक है, नागौरी बैल हैं सभी। आने वाले दो महीने में इसका गेड़ा लगेगा। अच्छा अच्छा जी, तो अभी रेडी है बिल्कुल ये सभी? तराई की तरफ रेडी, अभी बच्चा है, दो महीने बाद भी देखेंगे। अच्छा दो महीने बाद, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल। और एज क्या होगी इनकी, कितनी एज है? 9 महीने। अच्छा 9 महीने, तो सभी कम एज के होंगे आपके पास बछड़े? एक ढाई साल का, बाकी डेढ़ डेढ़ साल के बच्चे सभी। अच्छा अच्छा, एक ढाई साल का है बाकी डेढ़ साल बच्चा मेरा, पंजाब में ही भागा है। अच्छा अच्छा जी, दो दांत बच्चा है, डेढ़ लाख का बच्चा बेचा भी भगा के इसके साथ में पंजाब में। एक बार फिर से बताइए। उसके साथ में उन्होंने भगा के डेढ़ लाख का बच्चा बेचा, कंगराने भागे था वो। अच्छा अच्छा जी, 23 का टाइम लगा था बच्चे ने। ठीक है ठीक है। तो आपके ये कोई कितने मीटर की रेस होती है आपकी? 4 किलो के दिन 23 सेकंड का टाइम लगा था पहली बार खेल। अच्छा अच्छा, 4 एकड़। हाँ मतलब किले जो आपको बोलते हैं। 23 सेकंड कंगराने भागे था वो दर्शन सिंह बिल्ला के पास, वो बच्चे ने भी मेरा काफी नाम किया। ठीक है जी ठीक है। उस बच्चे के ट्रेंड से मेरा नाम बहुत बिकता भी डॉक्टर के पास से आ रहा। ठीक है ठीक है। और एक आप एआई का भी काम करते हो? हाँ, मैं डॉक्टर। तो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब जो है मल्टी टैलेंटेड, मैं जो इनको कहूंगा कि एक तो एक रेस के लिए जो बछड़े तैयार करते हैं और दूसरा जो है एआई का भी काम करते हो, सभी तरह के पशुओं की एआई करते हो। ठीक है जी। इसके अलावा आप भैंस वंस भी रखते हो ना? भैंस भी रखते हो? ठीक है ठीक है। तो इनके अलावा जो मैं कुछ इनके दिखाना चाहूंगा पशु आपको, भैंस भी रखते हैं दुधारू मुरा नसल। ठीक है जी ठीक। तो एक बार इनको और आप खोल के थोड़ा सा चला के दिखाएं। ये देखिए काफी सुंदर, बहुत ही प्यारा, धूप में बिल्कुल गोल्ड की तरह चमक रहा है। अंग्रेज? अच्छा नाम ही है क्या इसका अंग्रेज? ये है भी अंग्रेज और नाम भी अंग्रेज। ठीक है जी ठीक है ठीक है। अभी हरियाणा में दो ही बछड़े हैं मेरे पास, एक कुलजीत गामड़ा के पास है। अच्छा अच्छा, दो बछड़े हैं, एक तो आपके पास और एक कुलजीत गामड़ा। और गामड़ा दो पंजाब में है, एक उसके पास है जो इंडी बैलपुर के पास अंग्रेज। अच्छा अच्छा, इसके साथ ही जो है जो अंग्रेज जो ऐसी जाती के बैल है। अच्छा अच्छा, गोल्डन कलर की चार ही बैल पूरी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो श्वेत कपीला एक होती है उसी तरह से श्रवण कपीला, चार ही बैल श्वेत कपीला जो है गाय है, तो उसी का आप बछड़ा देख सकते हैं जो भाई साहब ने बताया अभी, 3 से 4 हैं। चार, एक संदीप बैलपुर पंजाब में उसके पास, संदीप बैलपुर के पास। ठीक है जी ठीक है। थोड़ा सा इसे चलाएं। ये देखिए किस तरह से
चाल आप इसकी देख सकते हैं, चाल मात्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी, तो बहुत ही बढ़िया इसकी रफ्तार का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, अगले को और ये देखिए, क्या नाम है इसका? ये दो दांत है भाई। अच्छा, दो दांत हैं। ये बहुत ही भागने वाला बछड़ा है। ठीक है जी, ठीक है, ये अपना सभी बच्चों का स्टार बच्चा है। अच्छा अच्छा, स्टार है बिल्कुल। अपन देना भी नहीं सेल करना। अच्छा, ना सेल करना है। एमपी वाले ने मांगा था कि 70,000 रुपए लगाए थे, मैंने मना कर दिया। ठीक है, 70,000 रुपए लगाए थे एमपी वाले ने, मैंने नहीं दिया उसका। ठीक है जी, ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इसी से चलते हैं सारे। ठीक है, ठीक है जी, एक बार थोड़ा चलाना इसको। ये देखिए, तो जो इन्होंने बताया है, क्योंकि ये इनका जो स्टार है, एक दूसरे को देख के जो ये बछड़े भागते हैं, कोई नया बछड़ा तैयार करना होता है तो उसको देख के ये भागते हैं। तो इस तरह से काफी अच्छा गोवंश। तो एक बार आपका वो बुल और दिखाओगे, जो वो बैल? ठीक है जी, ठीक। तो ये देखिए, एक इनके संगी साथी देख सकते हैं, एक बार आप हाथ हिला करके थोड़ा सा सुखवीर भाई साहब के। तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि जिसमें ये जोड़ करके बैलों की तरह जिसमें भगाते हैं, तो इसका क्या नाम है? एक बार आओ आप बताओ। इसको बैलडी भी बोल सकते हैं। बैलडी, हाँ। ठीक है, ठीक है। और ठोकर भी बोल सकते हैं। ठोकर भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह से इस पे खड़े होकर के इनको जोड़ा जाता है और भगाया जाता है, तो बहुत ही बढ़िया। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं इनका बैल, जिन्होंने इनका नाम रोशन किया था, जिससे इन्होंने शुरुआत की थी, काफी ऊंची कद काठी देख सकते हैं इसकी हाइट। एक बार भाई साहब इसके पास खड़े होगे, कितनी की है? छह फुट से ऊपर है, तो काफी अच्छी कद काठी के साथ देख सकते हैं मजबूत बैल। ये देखिए सिंगों की बनावट। अच्छा अच्छा, इसी ने? नहीं, थोड़े आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इस बैल ने नाम रोशन किया था जिससे मेरी पहचान बनी है, वो बबरू बादशाह के मारे ना। अच्छा अच्छा, बबरू इसका नाम क्या है? नहीं, ये तो लांडा बैल है जो मेरे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। इस बैल ने मेरा नाम रोशन किया, पहचान बनाई, वो बबरू था। ठीक है, ठीक है। ये सबसे पहले आपके पास ये था? मेरे सबसे पहले मेरी जिंदगी बैल ये सबसे पहले। अच्छा अच्छा, पहला जिससे शुरुआत किया आपने? शौक से शुरुआत किया। ठीक है, कितने साल हो गए इसको? इस बैल को 15-16 साल का। अच्छा, 15-16 साल। तो अभी भी बिल्कुल फिट है वैसे ये, कोई लगता नहीं इतनी एज है। देख सकते हैं आप, किसी भी प्रकार से आपको देखने से नहीं लगेगा कि इतनी इसकी एज है। अच्छा, जो दूध वाली भैंस के बराबर खाना देते हो, तो बहुत बढ़िया जी। हाँ हाँ, तो इसी का जो पूंछ देख सकते हैं, किसी न किसी कारणवश ये कट गया था, तो जिस तरह से इन्होंने इसका नाम करण भी लांडा बैल के नाम से कर दिया, तो इसका नाम आप चेंज करो थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं हम पाप बिल्कुल आगे वाले पैर की बिल्कुल सिधाई में आप देख सकते हैं मुकुट, और सींगों की जो बनावट है वो नीचे से जो मोटाई देख रहे हैं वही ऊपर तक बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया। जो बैलों के बारे में एक बार मैं बताना चाहूंगा कि जो ये हमारे बैल हैं पिता तुल्य हैं, पिता के समान, इन्होंने हमारे पिता के साथ मिलकर खेतों में कमाया है। माँ हमारी घरों में काम किया करती थी, चूल्हा चौका सब कुछ करके, और ये हमारे पिता के साथ खेत में काम किया करते थे, कंधे से कंधा मिला करके। तो ये देखिए बिल्कुल आप इसकी आंखें देख सकते हैं, बिल्कुल काली, और नोज बिल्कुल ब्लैक, चेहरे मोरे की बनावट बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं जो इन बैलों की जो क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, जो इन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, तो वहां पे इनाम के तौर पे ये मिलती है, और सहयोग राशि पैसे भी मिलते हैं ना। हाँ, पैसे और इस तरह से झूल मिलती है, जो कि बैल को सम्मानित किया जाता है रेस के बछड़ों को। तो ये काफी देख सकते हैं, जो ये आप आगे हंप में देख सकते हो इसके डलेगी, और सर्दियों में भी ये काफी कारगर सिद्ध होती है सर्दी से बचाने के लिए। ये देखिए, पंजाबी मेरे को थोड़ी आती नहीं है, तो बैल देख सकते हैं आप, पंजाब की रेस इन्होंने जीती हुई है, तो काफी नाम रोशन किया है इन बैलों ने सुखवीर भाई साहब का। और एक बार जो ये फोटो और दिखाना चाहूंगा मैं, ये बबरू बच्चे का फोटो भाई, तो आप इनकी फोटो देख सकते हैं और इन बैलों के साथ, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो ये कब की है भाई साहब आपकी, कितने साल? 2010-11 की है। ये बबरू बच्चा भाई, इन जो मेरी अंगली टिक रही। अच्छा अच्छा, बबरू आए, बबरू है। ठीक है, ठीक। किरमारा की आनबान शान था, किरमारा की आनबान शान। इसने कभी तीन बार भगे, तीन नंबर और चार बार भगे, चार नंबर, चार नंबर, इसने कभी नंबर नहीं दिया। ठीक है जी, ठीक है। बबरू बच्चा है,
ठीक है जी ठीक है। और इसके ऊपर सवार भी मैं, इसको मैं ही बगाता था। अच्छा अच्छा, और ये साथ में जो इसके है एक और ये बैल है, सुरेश की नाला का बैल है, 1,27,000 का उस टाइम पे लिया था, उस टाइम तो मैच भी नहीं बिकती। अच्छा 2010 में 1,27,000 सुरेश की नाला ने गतौली गांव से खरीदा था बैल। ठीक है जी ठीक है, तो उस समय भी देख सकते हैं आप आज से 10-11 साल पहले जो 1,27,000 का इन्होंने सेल करके खरीदा। अच्छा खरीदा था उन्होंने। ठीक है जी ठीक है, और अगली और फोटो दिखाएं एक बार, ये और देख सकते हैं आप, यही रखी रहने की। ये बैल है जो मेरा, जो लौंडा बैल था। ठीक है ठीक है, अभी ये मीणा बैल था मेरा। अच्छा मीणा बैल जो अभी हमने जो वीडियो में देखा था, ये जो काफी साल पहले, तो आप इसमें काफी यंग नजर आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, और इसके साथ जो मीणा बैल है वो भी आप देख सकते हैं, पंजाब से आया था। अच्छा पंजाब से आया था, ठीक है जी ठीक है। अगला और दिखाएं, ये मीणा बैल जो भागते की फोटो। ठीक है जी ठीक है, ये और ठीक है जी ठीक है, तो काफी अच्छे बैल इन्होंने तैयार किए हैं, लाइन से बिल्कुल हट के काम जो इन्होंने किया है वो अति सराहनीय है। तो इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।